डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। धोखाधड़ी इमारत को सील करने के बाद भी एक परिवार छुप छुप कर रह रहा है इमारत में। अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन? स्थानीय लोगों ने उठाया सवाल। उल्लासनगर एक पोस्ट ऑफिस के सामने ईश्वरी अपार्टमेंट नामक इमारत है, जिसको धोखादायक घोषित कर इमारत को खाली करवाया गया था। बावजूद इसके इस इमारत में एक परिवार छुप कर रह रहा है, जबकि कल उल्लासनगर मनपा प्रशासन द्वारा इस इमारत को सील किया गया और वह परिवार घर के अंदर छुप कर बैठा था। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि वे परिवार बिजली की भी चोरी कर रहे हैं। जब वे लोग इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करने जा रहे हैं, तो पुलिस उनको ये कहकर टाल रही है कि ये मनपा प्रशासन का मामला है। अब ऐसे में स्थानीय लोगों द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अपार्टमेंट है गोल मैदान पोस्ट ऑफिस में। इस बिल्डिंग की कम से कम एक बरस में 4 बार हम लोगों ने कंप्लेंट की है राइटिंग में, पुलिस चौकी में, म्यूनसिपाली में, कि ये बिल्डिंग डेंजरस जोन में है, कि इसको सब लोग खाली करके गए पूरी बिल्डिंग। एक फैमिली रहती है, वो भी उनका भी कुछ ठिकाना नहीं है, लेकिन हम लोग कंप्लेंट कर करके थक गए हैं। लेकिन आज की तारीख में कॉरपोरेशन वाले और पुलिस वाले कम से कम 20-25 लोग आए थे, ये लोग बिल्डिंग सील करके गए। इसके बाद में वो लेडीज़ और अंदर एक लड़का बैठा ही था, जब बिल्डिंग सील किया तो अंदर लड़का बैठा था, उनको म्यूनसिपाली और पुलिस को मालूम नहीं पड़ा, वो ऊपर छुप के बैठा था। बाद में जब पुलिस और म्यूनसिपाली वाले गए तो उस लड़के ने अंदर से कुछ लोहे का हथियार कुछ निकाला, कुछ तो ऐसा बाहर से उसने ताला तोड़ दिया और वो लेडीज़ भी अंदर घुस गई और अंदर दोनों बैठे हैं और बिल्डिंग डेंजरस जोन में है। और दूसरी बात है, इनलीगल नमूने इन लोगों ने लाइट भी लिया है, जिसका हमने लाइट ऑफिस में कंप्लेंट भी किया है, बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी ये लोग नहीं देखते हमारी। कौन से आपको कंप्लेंट किया? ये कोई भंडारी साहब है, एक नंबर में 10 बार मैंने वर्बली उधर जाके कंप्लेंट किया है कि हमारे वायर केबल से डायरेक्ट पोल से वायर ले रहे, लेकिन वो लोग 10 बार कट करके गए, फिर वो कहीं ना कहीं वायर बाहर से ले लेते हैं। अब अभी जो आपने सील किया था बिल्डिंग को, अंदर जाने के बाद आप किसी अधिकारी के पालिका के मिले थे? हाँ, मैंने एक फ़ोन किया था, ये जेठा है कोई ये कॉरपोरेशन में, मेरे को किसी ने नंबर दिया, बोला जेठा को फ़ोन करो। जेठा को मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि हमारा काम नहीं है, हमने सील किया है, अभी आप पुलिस चौकी में जाओ, सब लोग जो कंप्लेंट किया है आप पुलिस चौकी में जाओ, हमारा काम है सील करना, बाकी काम पुलिस का है काम। और पुलिस चौकी में जाने के बाद पुलिस वाले बोलते हैं जब तक कॉरपोरेशन वाले इनके ऊपर FIR नहीं करेंगे तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसका मतलब आप खुद देखो बिल्डिंग में कितना प्रॉब्लम है, कभी भी गिर सकती है। और ये लोग को राइटिंग में कंप्लेंट देने के बाद, सील करने के बाद, सील तोड़ने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बोल रहे ऑफिसर की कॉरपोरेशन वाला जेठा भाई बोलता है आप पुलिस चौकी में जाओ, पुलिस वाले बोलते हैं कि आप हमारा काम नहीं है, UMC है उसको देखना है। अगर कुछ हादसा होता है तो जवाबदार कौन रहेगा? सर ये तो कॉरपोरेशन, पुलिस, लाइट ऑफिस, जिनको हमने बार बार कंप्लेंट किया, पूरे पड़ोस ने मिलकर सभी लोगों ने राइटिंग में कंप्लेंट किया है भाई बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है। आज सील करने के बाद सील तोड़ा है, अंदर आदमी रह गए, कॉरपोरेशन को मालूम ही नहीं अंदर कोई बैठ गए और उसने आके बाहर से ताला तोड़ दिया, अंदर से जाली से निकाल के कुछ लोहे के हथियार से ताला तोड़ दिया और सील तोड़ने के लगने के बाद सील तोड़ के अपर फैमिली अंदर बैठ गए। इसकी जवाबदारी कौन लेगा? कोई लेने को तैयार ही नहीं है।